25 तारीख में हमने तिरोसी का जल चढ़ाया, और फिर आज 26 में चढ़ना था जल, वो 6:45 का शुभ मुहूर्त था उसका। अब 5 बज रहे हैं, अब हम निकलेंगे यहाँ से। रात हम रुके हैं अपने फ्रेंड के यहाँ, ऋतिक मिश्रा के यहाँ, और यहाँ पे सोए थे। ये इधर हमारा जल ढंग रहा है, और अब हम यहाँ से निकलेंगे दोबारा भोरो मंदिर के लिए, और फिर वहाँ पे जल चढ़ाएंगे और दिखाते हैं आपको पूरी वीडियो। वीडियो में बने रहना, लास्ट चल रहा है। ठीक है, फायदा ये भी है, अब हमें बैग लेके नहीं जाना पड़ रहा है, अब खाली जल लेके जाएंगे। और जो थकान थी वो उतर भी गई है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी देर तक आराम मिल गया, फिर पूरी रात का मिल गया और दिन का मिल गया, तो काफ़ी हद तक पैर भी अच्छे चल रहे हैं। बाकी भोले बाबा की कृपा से हम जल्दी भोरो मंदिर पहुँच रहे हैं, और फिर लाइव आते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा मंदिर का व्यू। डाक कावड़, एक आदि की डाक कावड़ दिखाई दे रही है, बस पहुंच जाएंगे। 5:21 हो रहे हैं, उस देर में पहुंच जाएंगे। 6:45 का जल है, फूल खरीदने वाले हैं। देखिए मेरी माला, भोले बाबा के लिए और कुछ फूल मंगवाए हैं, देखते हैं कुछ मिलते हैं नहीं मिलते हैं। सब कुछ, सब गुलाब के वगैरह वाइट वाले फूल सब खत्म हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा। हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन 6:45 का शुभ मुहूर्त है, तो हम तो अपने समय में राइट है। बाकी देखते हैं कुछ मिलते हैं नहीं मिलते हैं फूल वगैरह, और बात कराएंगे फूल वाले भैया से। हम लोग लेके जाते हैं यानपुरी के पास, खड़े हो यानपुरी के पास से लेते हैं। यहाँ से हमने फूल लिया और माला ली है, और अब मंदिर लेके जाएंगे आपको। और क्या नाम है, माला ले ली है, और हम अब बस मंदिर पहुँचने में हैं, पहुँच जाएंगे आधे पौन घंटे में। फिर 6:45 का शुभ मुहूर्त है, फिर टाइम तो हमारे पास काफ़ी है, लगभग लगभग 1.25 घंटा है हमारे पास, लेकिन हम पहुँच जाएंगे। पहुँच के वहाँ पे पहुँच के कुछ फ़ोटो सेशन करेंगे, और फिर जल चढ़ाते हैं भोले बाबा को 6:45 पे पूरे। ये हम आनंदपुरी पे पहुँच गए हैं फिलहाल, और हमें जाना है अंसाई रोड पर। साथ में ऋतिक मिश्रा बाइक लेके आ रहे हैं, और अगले वाले, और फुल एक्साइटमेंट है आज का जल चढ़ाने की, भोले बाबा को प्रसन्न करने की। तो भोले बाबा रहते तो प्रसन्न ही है सबसे, और शंकर भगवान की जय। और पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में भोरो मंदिर। भोरो मंदिर पहुंच चुके हैं, और हम वेट कर रहे हैं 6:45 का। 6:45 का शुभ मुहूर्त है, 6:45 का वेट कर रहे हैं। और अभी तो इतनी खास कुछ भीड़ भी नहीं है, अभी 6:45 पे जल चढ़ाएंगे, अब इंतज़ार करेंगे। 1 घंटा समथिंग इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। ठीक है, मंदिर का स्पेस देखिए कितना ज़्यादा है, ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, बड़ा स्पेस है। ये इधर बैठे महादेव, नंदी महाराज, ये राधा कृष्ण और राम जी, और सबसे उधर गंगा मैया का मंदिर है। गंगा मैया का मंदिर यहाँ पे, गंगोत्री से पुराना मंदिर है। वहाँ पे खड़े हो जाओ, इसका एंट्रेंस। अब ये गंगा जी के मंदिर वाला एंट्रेंस है, ये गंगोत्री का मंदिर है यहाँ पे। ये जो असली गंगोत्री का मंदिर है उससे भी पुराना मंदिर है, और वही सेम मूर्ति यहाँ पे। ये देखें व्यू, कारीगरी, हाथ की कारीगरी। इधर राधा कृष्ण,
ये राधा कृष्ण और राम जी का परिवार है यहाँ पे, ये भी दिखाते हैं एक एक पारी पारी। एक से एक कारीगरी, जा रहे हैं बोरो मंदिर में शिवरात्रि का जल, साथ में ऋतिक मिश्रा है, मिश्रा जी हमारे, और जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बैक कैमरे से दिखाता हूँ पूरा। Yeah.
चला आप ये थोड़ा सा जल्दी कर लो, पीछे लोग खड़े थे।
पूरे मंदिर का व्यू देखो। अब हम घर पे जाएंगे। इस व्लॉग में इतना ही, और भोर मंदिर देखिए कितना सुंदर व्यू है। आप एक बार जो मुजफ्फरनगर में आए, सबसे प्राचीन मंदिर है, मुजफ्फरनगर की धरोहर भी माना जाता है, तो मुजफ्फरनगर आए तो एक बार ज़रूर घूमें, इसमें दर्शन करने के लिए आए, मनवांछित इच्छा मिलती है यहाँ से। यहाँ पे 11 शिवलिंग हैं, सबसे पुराना मंदिर है मुजफ्फरनगर का। और अब नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना, कुछ धमाकेदार आएगा। ओ शंकर भगवान की जय, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव।